हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जुबैर अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीओसी जुबैर। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप का जो चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप डिस्कस कर रहे हैं, ये उसके दूसरे लेक्चर की वीडियो है। होपफुली आपने वो फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को हिट करें। तो स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए, आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, P&L अकाउंट बनाया था, बैलेंस शीट बनाई थी। ट्रेडिंग अकाउंट से जो आप कंप्यूट करते थे वो होता था ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेकर जाते थे और फिर और अदर इनकम्स यानी इनडायरेक्ट इनकम्स को और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते थे, वहां से मिलता था नेट प्रॉफिट और उस नेट प्रॉफिट को आप जाकर कैपिटल में ऐड कर देते थे। अगर नेट प्रॉफिट है तो ऐड कर देते थे, नेट लॉस है तो माइनस कर देते थे। क्योंकि अगर किसी ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाया है तो अगर उस कैपिटल लगाने के बाद कोई प्रॉफिट वो उस बिजनेस से कमाएगा तो वो प्रॉफिट उसके कैपिटल को बढ़ा देगा, लेकिन अगर उसका कैपिटल बिजनेस में लगा और लॉस की सिचुएशन आ गई तो उसका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली समझाने वाली बात यह है कि प्रॉफिट हमारे कैपिटल में ऐड हो जाता है और लॉस हमारे कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। अब वो जो चैप्टर था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर बिजनेस में एक ही ओनर था, एक ही प्रोप्राइटर था। सोल मतलब ओनली सिंगल प्रोप्राइटर। लेकिन यहां आप पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल लगाने वाले मोर देन 1% होते हैं, स्किल्स लगाने वाले मोर देन 1% होते हैं, अपना टैलेंट यूज करने वाले मोर देन 1% होता है, यानी 2 or more persons के बीच में पार्टनरशिप होती है। यह हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर बात समझने की यह है कि अगर फर्म कोई प्रॉफिट कमाती है तो उस फर्म के प्रॉफिट को कोई एक सिंगल पार्टनर तो रखेगा नहीं ना, वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मुझको यही बात यहां पर सीखनी है कि जो प्रॉफिट फर्म कमा रही है वो पार्टनर्स के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको यहां पर समझाता हूं जो मैंने चीज लिखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई, ये एक ऐसी रेशियो है जिसके अंदर प्रॉफिट को बांटा जाता है, प्रॉफिट को शेयर किया जाता है। तो मैं यहां ये लिख सकता हूं, इट इज द रेशियो इन विच प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉफिट्स आर शेयर्ड अमंग पार्टनर्स। ये एक ऐसी रेशियो है जिसके अंदर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे 2:1, मान लो दो पार्टनर हैं और उनके बीच की रेशियो है 2:1। इसका मतलब यह है कि अगर फर्म कोई भी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट के 3 हिस्से किए जाएंगे। 2:1 का मतलब 3 हिस्से किए जाएंगे, जिसमें से 2 हिस्से एक पार्टनर रखेगा और 1 पार्ट दूसरा पार्टनर रखेगा। समझ में आई बात यह नहीं है? एग्जाम्पल 1:1, अगर फर्म प्रॉफिट कमाती है तो फर्म के प्रॉफिट के 2 हिस्से किए जाएंगे और 2 हिस्से में से एक एक पार्टनर रखेगा और 1 हिस्सा दूसरा पार्टनर रखेगा। 3:2:1, अब ये जो रेशियो होगी ये 3 पार्टनर्स के बीच में होगी। अब पार्टनर्स कोई प्रॉफिट कमाते हैं, फर्म कोई प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट के 3+2+1 6 हिस्से होंगे और उन 6 हिस्सों में से 3 एक पार्टनर रखेगा, 2 दूसरा पार्टनर रखेगा, 1 तीसरा पार्टनर रखेगा। Are you getting my point? तो this is the profit sharing ratio. मैं बहुत basic से लेके आपको चल रहा हूं। मैं चाहता तो P&L appropriation की वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं और basic से आपको ये chapter पढ़ाना चाहता हूं ताकि आपको और ज्यादा clarity आ सके। अब ये कुछ examples मैंने लिखे हुए हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, या अदरवाइज आप लोग बेटा टेक्निकल जमाने में रह रहे हैं तो आप
इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोग निकम्मे हैं, आप करेंगे भी ऐसा ही। चलिए, अगर आप नोट कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल क्या है? फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख। फर्म ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। आपको पता है ना, दो कैलेंडर ईयर होते हैं और दो अकाउंटिंग ईयर होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और दूसरे साल के 31 मार्च में खत्म होती है। यानी अगर मैं 2019-20 कह रहा हूं तो 1 अप्रैल 2019 का और 31 मार्च 2020 की। तो फाइनेंशियल ईयर में 2019-20 में 1 लाख रुपए का फर्म ने प्रॉफिट कमाया है। देयर आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म। फर्म के अंदर दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। मुझे ये प्रॉफिट, 1 लाख का ये प्रॉफिट इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन, हाँ जी, प्रॉफिट कितना है हमारे पास? प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। अच्छा, मुझे बताएं, ए के हिस्से में कितना प्रॉफिट जाएगा? 1 लाख का पूरा प्रॉफिट तो वो नहीं ले लेगा। हाँ जी, बताएं मुझे। 1:1, यानी 1 लाख के इस प्रॉफिट के दो हिस्से किए जाएंगे। अब देखो, 2 से डिवाइड करते ही मैंने ये देख लिया, मैंने इसको हर एक पार्ट में डिवाइड कर लिया और 1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब ए के पास आएगा 50,000। हाँ जी, बी के पास कितना आएगा? 1 लाख के इस प्रॉफिट को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, यानी हर एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। 1 लाख के मुझे 2 पार्ट बनाने ना, दो हिस्से करने, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो हर एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, जिसमें से एक पार्ट कौन रखेगा? बी रखेगा। तो 50,000 बी के पास चला जाएगा। सो सिंपल, कुछ भी नहीं करना हमें। जो ये रेशियो है इसके टोटल से डिवाइड कर दिया मैंने, और जितना इनके पास शेयर है 1:1 उससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। फर्म ने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया फाइनेंशियल ईयर 2019-20। देर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म, ए बी एंड सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। हाँ जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई उनका? 2:2:1। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग देम। अब ये सोल्यूशन करते हैं। प्रॉफिट कितना है जी? 5 लाख रुपए। आप मुझे बताओ रेशियो क्या है तीनों पार्टनर्स के बीच में? 2:2:1। यानी प्रॉफिट के किए जाएंगे 5 हिस्से। अब जरा हम ए का प्रॉफिट निकालते हैं। 5 लाख तो पूरी फर्म का प्रॉफिट है, मैंने इसको डिवाइड किया 5 से, यानी प्रॉफिट के 5 हिस्से किए जाने, तो हर एक हिस्से की वैल्यू आ गई। कितने का आ जाएगा हर एक हिस्सा? 1 लाख रुपए का। लेकिन ए को कितने मिलेंगे? 2 हिस्से, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाँ जी, ए का हिस्सा कितना हो गया इसके अंदर? 2 लाख रुपए। बी के हिस्से की बात कर लेता हूं मैं। 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 5 से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे 5 हिस्से करने प्रॉफिट के। इसका हिस्सा भी 2 हिस्से हैं इसके पास, इसके पास भी कितना प्रॉफिट आ जाएगा? 2 लाख रुपए। हाँ जी, 5 लाख के 5 हिस्से करे तो हर एक हिस्से की वैल्यू आ गई 1 लाख का एक, और इसको कितना मिलने वाला है? 1 पार्ट मिलने वाला है, तो इसको मिलेगा 1 लाख रुपए। तो आप देखेंगे 5 लाख का प्रॉफिट ए बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ठीक है जी, इट्स सो सिंपल। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। देखिए भाई, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म हैविंग शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। देखो यहां पर डायरेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, यहां पर दे रखा है आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। उन पिछले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस ये है कि वहां पर आपको रेशियो कैलकुलेट करके दे रखा है, यहां पर हमको रेशियो कैलकुलेट करके नहीं दे रखा, आपको यहां पर पार्टनर्स के इंडिविजुअल शेयर्स बताए हुए हैं। देखो जी, ए के पास कितना शेयर है? 1/2, यानी जो भी प्रॉफिट होता है आधा हिस्सा ये रखता है। बी के पास कितना शेयर है? 1/4, यानी प्रॉफिट का जो भी हिस्सा होता है उसका 1/4 ये रखता है। सी के पास कितना शेयर है? 1/4, तो जो भी प्रॉफिट का हिस्सा होता है 1/4 ये रखता है। तो पहले हम एक काम करते हैं, ये जो इनके इंडिविजुअल शेयर्स हमको गिवन है, इससे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे होती है जरा मैं आपको दिखा देता हूं। देखो बेटा,
इनका, इसे हम कहते हैं प्रॉफिट का शेयर, इसे हम क्या कहते हैं प्रॉफिट का शेयर। अब इन्हीं शेयर्स की रेशियो बना दें तो उन्हें क्या कहा जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहा जाएगा। अब जरा देखते हैं इंडिविजुअली, 1/2 इसका शेयर है, 1/4 इसका शेयर है, 1/4 इसका शेयर है। देखो बेटा, रेशियो को तब तक मैं नहीं बना सकता जब तक डिनोमिनेटर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन इसका डिनोमिनेटर अलग है, तो एक काम करते हैं इसके डिनोमिनेटर को इन दोनों के इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं, इक्वलेंट बनाने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएं, 2 को 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। लेकिन अगर आप नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 1/2 को मैंने किसके इक्वलेंट बना दिया, 2/4। इसका मतलब भी तो हाफ ही होता है बेटा, तो इसे 2/4, 1/4, 1/4। अब देखें, अब ये 4/4 आप नीचे का हटा सकते हैं, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया 2:1:1। इसका मतलब ये है अब प्रॉफिट के हिस्से होंगे 4 और उस 4 हिस्से में से 2 पार्ट रखेगा ए, 1 पार्ट रखेगा बी और 1 पार्ट रखेगा सी। तो पहले यहां पर मैंने पहले रेशियो कैलकुलेट करी, अब इस रेशियो की मदद से मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। और ये काम अब आप लोगों का है कि आप 400,000 को इन तीनों के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये आपको खुद करना होगा। मैं पहले और दूसरे एग्जाम्पल में आपको बता चुका हूं, तो वक्त खराब ना करते हुए मैं तीसरे एग्जाम्पल पर आता हूं। देखिए बेटा, आपको तीसरा एग्जाम्पल ढंग से पढ़ना है। देखें बच्चे, अब यहां पर थोड़ा सा अलग है, अलग क्या है, बांटेंगे हम प्रॉफिट ही लेकिन थोड़ा क्वेश्चन अलग है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म, तीन पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर ए बी एंड सी, जिनका पीएसआर फुल शॉर्ट फॉर्म है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, इन द फर्म हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3। यानी प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं, प्रॉफिट के 6 हिस्से होते हैं, जिसमें से 1 हिस्सा ये रखता है, 2 हिस्से ये रखता है, 3 हिस्से ये रखता है। देयर ओपनिंग कैपिटल, देखो यहां पर एक क्वेश्चन में एक चीज एक्स्ट्रा गिवन है आपको, ओपनिंग कैपिटल कहने का मतलब यह है जब साल की शुरुआत हुई होगी, तो उनका कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ था। Their opening capital as on 1/4/2019, यानी साल की शुरुआत 1/4/2019 से हुई है और साल का एंड होगा 31/3/2020 में, यानी फाइनेंशियल ईयर 1920। तो उनका जो ओपनिंग कैपिटल था 1/4/2019 को, यानी साल की शुरुआत में, वो था 10,00,000 रुपए, यानी ए का था 10,00,000, बी का था 20,00,000 और सी का था 30,00,000 रिस्पेक्टिवली, यानी 10,00,000, 20,00,000 और 30,00,000 इन तीनों का कैपिटल था। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, यानी साल के दौरान, ये तो साल की शुरुआत में कैपिटल था, अब जैसे जैसे साल बीता फर्म ने कमाया प्रॉफिट 12,00,000 रुपए का, फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹12,00,000। कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। देखो जी, यहां पर आपसे ये नहीं कहा कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ, यहां पर क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है कि आप क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करके बताएं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या यहां पर कुछ नया है? नहीं भाई, यहां कुछ भी नया नहीं, जो आपने पीछे सीखा वही है। बस यहां पर क्या करना है आपको, जो प्रॉफिट इनके तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो प्रॉफिट जाकर इन तीनों की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, पर्टिकुलर्स ए बी और सी। अब मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग कैपिटल आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि कैपिटल के अंदर प्रॉफिट ऐड हो जाता है और लॉस माइनस हो जाता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, इन तीनों ने अपना अपना कैपिटल बिजनेस को दिया, ए ने 10,00,000 रुपए बिजनेस को दिए, बी ने 20,00,000 रुपए बिजनेस को दिए, सी ने 30,00,000 रुपए बिजनेस को दिए, और इन तीनों ने ये जो कैपिटल दिया था, फर्म ने इनको प्रॉफिट कमा कर दिया 30,00,000 रुपए का, और सॉरी फर्म ने इनको प्रॉफिट कमा कर दिया 12,00,000 रुपए का। अब ये 12,00,000 रुपए का प्रॉफिट साल के एंड में इनके कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऐड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब जो प्रॉफिट इन्होंने कमाया है वो प्रॉफिट मैं यहां लिख दूंगा, और उस प्रॉफिट को ऐड करने के बाद यहां पर आ जाएगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल। क्या आ जाएगा भाई हमारा क्लोजिंग कैपिटल, यानी साल के एंड का कैपिटल। अब आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बताए ए को कितना मिलेगा प्रॉफिट, हाजी ए को कितना मिलेगा 12,00,000। 12,00,000 पूरी फर्म का प्रॉफिट है, हाँ जी, लेकिन इसके हिस्से कितने होने, 1, 2, 3, यानी 6 हिस्से होने इसके,
यानी हर एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई 2 लाख, ए को कितना मिलने वाला है, एक हिस्सा मिलने वाला है, यानी 2 लाख रुपए मिलेंगे इनको। लो जी ये लिख दिया मैंने 2 लाख रुपए। इनके साल की शुरुआत में जो कैपिटल था वो था 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और ऐड होगा, टोटल मिलाकर कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया जी, 12 लाख रुपए का कैपिटल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं बी का। हाँ जी, 12 लाख रुपए पूरी फर्म का प्रॉफिट है, जिसके हिस्से कितने होने हैं भाई, 6 हिस्से होने। बी कितना हिस्सा रखेगा, 2 रखेगा, यानी इनको कितने मिलने हैं, 4 लाख रुपए। अब बी ने जो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, उस 4 लाख रुपए के प्रॉफिट को मैंने यहां पर जोड़ दिया, कितना हो गया भाई, 24 लाख रुपए। अब बात करते हैं सी की। 12 लाख रुपए का प्रॉफिट, कितने हिस्से होंगे, 6 हिस्से, हर एक हिस्से की वैल्यू 2 लाख, इसको कितने मिलेंगे, 3 लाख। तो इसके हिस्से का कितना आ गया जी, इसके हिस्से का आ गया 6 लाख रुपए, और यही 6 लाख रुपए मैं यहां पर जोड़ दूंगा, तो क्लोजिंग कैपिटल इसका कितना आ गया, 36 लाख रुपए। तो आपको मेरी एक बात क्लियर हो गई होगी आसानी से कि प्रॉफिट को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब हम ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ने के बाद हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। ठीक है, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो इस वीडियो का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब ये हम अपना क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं भाई, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, और इनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी साल की शुरुआत में जो कैपिटल था वो ए ने 30 लाख लगाया हुआ था, बी ने 20 लाख लगाया हुआ था, सी ने 10 लाख लगाया हुआ था, ये 10 लाख है। अब देखो होता क्या, नॉर्मली हम ये कहते हैं फर्म प्रॉफिट कमाएगी और वो प्रॉफिट इस रेशियो में शेयर कर लिया जाएगा, इनके कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। लेकिन इन्होंने कुछ और भी चीजें डिसाइड की हुई हैं और कुछ भी लफड़ा पाला हुआ है। अब वो लफड़ा क्या है जरा समझते हैं। ये कहते हैं दे वर डिसाइडेड टू पे, दे यानी इन तीनों ने डिसाइड किया है ऐसा, दे वर डिसाइडेड टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लो जी ये नई कहानी सुनी, कैपिटल लगाने के बाद उसके बदले तो प्रॉफिट मिलता है भाई, अगर फर्म को आप कैपिटल देते हो तो कैपिटल के बदले तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, कैपिटल के बदले क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। इंटरेस्ट कब से मिलने लग गया, इंटरेस्ट तो लोन के ऊपर मिलता है, कैपिटल के ऊपर कब से मिलता है। लेकिन इन्होंने डिसाइड कर लिया तो फर्म को देना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्म के अल्टीमेट ओनर हैं और ये कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। इन तीनों ने डिसाइड किया भाई देखो कैपिटल के ऊपर हम प्रॉफिट तो लेते ही लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट बटने से पहले, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, प्रॉफिट बटने से पहले उस प्रॉफिट में से हमारे हिस्से का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकाला जाएगा, प्रॉफिट बाद में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट बाद में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा। अच्छा जी कितना कैपिटल पर इंटरेस्ट चाहिए भाई तुम लोगों को, 10% पर एनम, कितना चाहिए, 10% पर एनम। चलो जी दे देंगे। एक चीज और बोली कि सी को 1 लाख रुपए सालाना सैलरी भी दी जाएगी। अब देखो सी कौन है, पार्टनर, पार्टनर फर्म से सैलरी मांग रहा है, यह भी बड़ी अचंभे की बात है। लेकिन सी ने ये बात डिसाइड की है, देखो जी मैं तुम लोगों से ज्यादा काम करूंगा और तुम लोगों से ज्यादा काम करूंगा, मेरी जगह कोई और काम करता तो मुझे भी सैलरी देते, लेकिन वो बंदा नया बंदे को बुलाकर आप काम नहीं करवा रहे, मुझसे ही वो काम करा रहे हो, तो आप मुझे भी सैलरी दो, मैं पार्टनर तो हूं ही लेकिन साथ में एक्स्ट्रा काम करने की सैलरी भी लूंगा। यानी प्रॉफिट बांटने से पहले, प्रॉफिट बांटने से पहले मेरे हिस्से की सैलरी उसमें से अलग निकाल देना। समझ में आ रही बात, ये नहीं आ रही, यानी ये 2 चीजें हमारे सामने नहीं है कि प्रॉफिट के बांटने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना है और फिर उस प्रॉफिट में से पहले सी की सैलरी भी निकाल देनी है, बाद में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब देखो ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 13 लाख, फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, 13 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया।
अब इस 13 लाख रुपए के प्रॉफिट का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है और ये दिखाना है कि क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको देखो, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की बात थी तो मैंने दोनों ही चीजें दिखा दी थी, डिस्ट्रीब्यूशन और वो। यहां पर भी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाता हूं, फिर क्लोजिंग कैपिटल निकाल कर दिखाता हूं। देखो, एक जगह पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और एक जगह पर हम क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है मुझे ए की, बी की और सी की। ओपनिंग कैपिटल कितना है? ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास 30 लाख, 20 लाख और 10 लाख। अब देखते हैं बेटा, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जो आपने प्रॉफिट कमाया है कितना है? 13 लाख रुपए का। लेकिन इस 13 लाख में से सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म ने, पार्टनर्स ने डिसाइड किया ना कि भाई पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालो, माइनस करो, बाद में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब यह है पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को जाएगा? ए को, बी को और सी को। आप मुझे बताओ, ए को कितना जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 30 लाख रुपए का उसका कैपिटल है, 10% का ब्याज वो मांग रहा है, तो इसको 3 लाख जाएगा। 20 लाख रुपए का इसका कैपिटल है, वो भी 10% मांग रहा है, तो 2 लाख इसको जाएगा। 10 लाख का कैपिटल इसका है, 10% ये मांग रहा है, तो 1 लाख इसको जाएगा। तो टोटल मिलाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा 6 लाख रुपए। कितना जाएगा भाई? 6 लाख रुपए। ये ब्रैकेट का मतलब है नेगेटिव, 13 लाख में से 6 लाख माइनस हो जाएंगे। अब और लेस, अब मुझे बस एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट में से 13 लाख में से 3 लाख तुमने यहां से माइनस किया, 2 लाख इसके लिए, 1 लाख ये, टोटल मिलाकर 6 लाख रुपए का प्रॉफिट तुमने अलग कर दिया। लेकिन ये 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख कहां जाकर ऐड हो जाएंगे? इन्हीं के कैपिटल में ऐड हो जाएंगे भाई, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से कम करवाकर आपने कहा नहीं जी, पहले इस प्रॉफिट में से 3 लाख रुपए मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चाहिए, 2 लाख रुपए मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चाहिए और 1 लाख रुपए मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चाहिए। समझ में आई बात? ये नहीं, ये 13 लाख रुपए आपस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन इस 13 लाख में से पहले ए ने कहा ये 13 लाख हम बांटेंगे तो सही, लेकिन 13 लाख में से बटने से पहले 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से अलग से निकाल दो। लो जी, अलग से निकाल दिए, 6 लाख बिल्कुल अलग से निकाल दिए। लेकिन ये 6 लाख जाएंगे कहाँ? इन्हीं के कैपिटल में ऐड होंगे, क्योंकि ए को उसके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 3 लाख इसके पास ऐड हो जाएगा, 2 लाख इसके पास ऐड हो जाएगा, 1 लाख इसके पास ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी? सैलरी। सैलरी सिर्फ किसको दी जा रही है? सी को दी जा रही है। कितनी सैलरी? 1 लाख रुपए। यानी 13 लाख के प्रॉफिट में से उन्होंने कहा 1 लाख रुपए सैलरी के अलग से निकालो, फिर बाद में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप 1 लाख यहां से कम करेंगे तो 1 लाख प्रॉफिट के अंदर से कम करके सिर्फ और सिर्फ किसके कैपिटल में जाकर ऐड हो जाएगा? ये सी के कैपिटल में, क्योंकि ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट के हिस्से में से सिर्फ और सिर्फ सी के नाम के निकल रहे हैं। तो अब कितना प्रॉफिट बचा मेरे पास? इसे मैं कहूंगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसे मैं क्या कहूंगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसको मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। देखो, ये भी प्रॉफिट के ही हिस्से थे, लेकिन इन प्रॉफिट के हिस्से को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से और इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया सैलरी के नाम से। तो लेकिन अब जो प्रॉफिट बच गया उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो अब बच जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। हाँ जी, 6 लाख रुपए का जो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, अब ये हमारी कैपिटल्स के अंदर आकर ऐड हो जाएगा। बताओ जी, 6 लाख का ये प्रॉफिट है, 6 लाख का प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? 3:2:1, यानी 3 लाख इसके पास, 2 लाख इसके पास और 1 लाख इसके पास। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 13 लाख रुपए का प्रॉफिट था, ये किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? हाँ जी, इसके पास क्लोजिंग कैपिटल 36 लाख रुपए की,
इसके पास क्लोजिंग कैपिटल 24 लाख रुपए की और इसके पास क्लोजिंग कैपिटल 13 लाख रुपए की। देखे बेटा, ये जो 13 लाख का प्रॉफिट था इसको मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, डायरेक्ट 13 के 13 लाख को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि इस 13 लाख के प्रॉफिट में से पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से इतना अमाउंट निकाल लेंगे, यानी 13 लाख में से 6 लाख इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से निकाल दिया। गया ये 6 लाख भी इन्हीं के कैपिटल में, लेकिन किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। देखो जी, 3 लाख इसके पास गया, 2 लाख इसके पास गया, 1 लाख इसके पास गया, 6 लाख कम होगा, बचे 7 लाख। सी कह रहा है नहीं जी, इस 7 लाख में से मैं सैलरी के नाम से अलग से 1 लाख अपने पास रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख उसने अपने पास रख लिया। समझ आई बात? ये नहीं, अब बच जाते हैं 6 लाख। ये 6 लाख इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। समझ आई बात? ये नहीं है, कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो इस तरीके से हम अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आगे जाकर आपको मैं अकाउंट्स प्रिपेयर करने सिखाऊंगा और उन अकाउंट्स प्रिपरेशन के बाद हम इस चैप्टर में फर्दर प्रोसीड करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू वेरी मच।